गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज के इस सेशन में 5 मिनट में टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन इस क्लास में आप सभी का रहता है। सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है और आज है 17 मार्च और आज के इस सेशन में 17 मार्च से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है कि किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में इसे मान्यता अमेरिका के द्वारा दे दी गई है। मैकमोहन जो रेखा है ये भारत और चाइना के बीच है। सही आंसर है ऑप्शन बी। बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास का जो तीसरा संस्करण है, जिसे हम कहते हैं सी ड्रैगन 23, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन हो रहा है अमेरिका में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि खबरों में रहा चीता हेलीकॉप्टर, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर इसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये जो हेलीकॉप्टर है ये हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसके कारण यह सुर्खियों में है, और इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फ्रांस की एक कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। सही आंसर ऑप्शन बी। भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है, राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा लक्समबर्ग। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना कितने राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये योजना होगी कहाँ पर, तो 4 राज्यों में। सही आंसर है ऑप्शन सी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलोर में। DRDO ने किस शहर में LCA तेजस पर स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलोर से इसका सफल परीक्षण किया गया है। अगला सवाल है कि अटल टिकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी किसने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। नानक शाही सम्मत 555 क्या है, तो याद रखेंगे ये एक उष्णकटिबंधीय सौर कैलेंडर है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो इसी योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आप सभी को डिटेल से जानना है तो सुबह 4 बजे वाली जो करेंट अफेयर की क्लास रहती है, जिसमें आपको करेंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक GK भी कराया जाता है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो एक बार आप सभी इसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।